नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा कल हमने एक्सरसाइज 6.1 के 17 क्वेश्चन कर लिए थे और आपका 18वां क्वेश्चन ये है कि sec square 30 डिग्री प्लस cosec square 45 डिग्री इंटू 2 cos 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री बराबर है 10। मीन्स आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है इस राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करनी है। किसके बराबर सिद्ध करनी है? राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और आपके लेफ्ट हैंड साइड है LHS है sec square 30 डिग्री प्लस में cosec square 45 डिग्री इंटू में 2 cos 60 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री। सबसे पहले बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपकी लेफ्ट हैंड साइड ये है। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर प्रूव करना है भाई? 10 के बराबर प्रूव करना है। किसके बराबर प्रूव करना है भाई? 10 के बराबर प्रूव करना है। अब इनके मैं वैल्यू रखता हूं जो कि आपकी sec square 30 डिग्री की वैल्यू है 2/√3 और यहां स्केयर है तो इसकी क्या होगी भाई? स्केयर प्लस में कोसेक स्केयर 45। कोस 45 की वैल्यू होती है √2 और यहां स्केयर है तो यहां भी क्या रख दिया मैंने? स्केयर। अब आगे देखिएगा इंटू में 2 इंटू कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 प्लस साइन 90 की होती है 1 और टेन 45 की भी क्या होती है? 1। सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैंने क्या किया? इन सब की वैल्यू रख दी। जैसे कि sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 और यहां स्केयर है तो क्या रख लिया भाई? स्केयर रख लिया। साइन बीच में किसका है? प्लस का है। और उसके बाद आप देखिएगा यहां cosec 45 की वैल्यू √2 है और स्केयर है तो यहां भी क्या रख लिया भाई? स्केयर। 2 इंटू cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 प्लस में साइन 90 का मान होता है 1 और tan 45 का मान भी क्या होता है? 1। अब आप देखिएगा 2 का स्केयर कितना हो गया बेटा? 4 और √3 का स्केयर कितना हो गया? 3। क्योंकि रूट को रूट से गुणा करेंगे तो रूट क्या हो गया? कैंसल। क्योंकि रूट के अंदर एक ही संख्या है तो आपका आ गया 4/3 प्लस में √2 का स्केयर कितना आ गया? 2 और बटे में क्या लिख दिया? 1। अब आप आगे देखिएगा यहां 2 एकम 2 और 1 को 1 से गुणा किया आपका 1 आ गया प्लस में 1 है और प्लस में भी कितना है? 1। अब आगे मैं यहां सॉल्व करूंगा आपका एलसीएम आ गया 3। 3 को 3 से भाग दिया कितना आया भी? 1 और 1 को 4 से गुणा किया कितना आ गया? 4 प्लस 1 को 3 से भाग दिया कितना आया? 3 और 3 दूनी कितना होता है? 6। उसके बाद आप देखिएगा 1, 2, 3 साइन प्लस का है तो कितना आ गया? 3। इसके बाद देखिए 6 और 4 कितना हो गया? 10। 10/3 और एन टू में कितना है भाई? 3। 3 एकम 3 और 10 एकम 10। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई भाई? राइट हैंड साइड के। मींस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है? राइट हैंड साइड। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद इनमें वैल्यू आपको रखनी है और उसको सोल्व करना है। इसके बाद आप देखिएगा इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये है, ये क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूं, दोबारा करवा रहा हूं भाई। 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू में 1 प्लस कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर आपको प्रूव करना है 7/4 के। किसके बराबर प्रूव करना है भाई? 7/4 के। और अभी तक आपका प्रश्न यह है कि 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू
एक प्लस कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री बराबर सिद्ध क्या करना है, 7/4। तो वही बात अपने को प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है, मतलब 7/4 के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड लिया और आपका LHS है 1 माइनस साइन 45 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री इंटू 1 प्लस कोस 45 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री। सबसे पहले मैंने क्या लिया भाई, लेफ्ट हैंड साइड। अब यहां इनकी वैल्यू रखता हूं मैं, 1 माइनस साइन 45 की कितनी होती है 1/√2 प्लस साइन 30 की होती है 1/2 इंटू में कोस 45 की होती है 1/√2 प्लस में कोस 60 की कितनी होती है 1/2। और मैंने इन सब की वैल्यू यहां रख ली, इन सब का मान रख लिया। अब आप मुझे बताएं, यहां ये प्लस का और ये भी क्या है, प्लस का, और ये किसका है, माइनस का। तो एक और मैं 1/2 को जोड़ दूं, देखिए एक और 1/2 को मैं प्लस, दोनों प्लस के है ना, तो मैंने इनको जोड़ा तो कितना आया 3/2। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं क्या, इन दोनों की जगह मैंने क्या लिखा, 3/2 माइनस का 1/√2। उसके बाद आप देखिएगा यहां भी एक और 1/2 है, इन दोनों को जोड़ दिया तो यहां भी बेटा कितना आ गया, 3/2 प्लस का 1/√2। यहां भी आपका कितना आ गया, 3/2 प्लस 1/√2, और यहां भी कितना है, 3/2 माइनस 1/√2। अब आप आगे देखिएगा, यहां आपको कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, देखिए 3/2 माइनस 1/√2, 3/2 प्लस 1/√2, मतलब अपनी सरासमिका लग रही है यहां a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है भाई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। बेटा यहां a की वैल्यू आपकी 3/2 है और b की वैल्यू कितनी है 1/√2, तो इन दोनों की मैं स्केयर करता हूं तो यहां आपका आ गया a की स्केयर का मतलब 3/2 की स्केयर माइनस का 1/√2 की स्केयर। तो 3 की कितना आ गया 9, 2 × 4, और यहां आ गया 1 का स्केयर 1/√2 का स्केयर कितना होता है 2, तो यहां आपका आ गया 4 LCM आ गया, 4 × 4, 1 को 9 से गुणा किया 9, साइन किसका है बीच में माइनस का, 2 × 4, 2 × 2, तो 9 में से 2 गया कितना बच गया भाई 7, 7/4। तो आपकी राइट हैंड साइड भी कितनी है 7/4। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर है 19, क्वेश्चन नंबर है 19, 19वें क्वेश्चन में आपको ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है और आपको प्रूव करना है किसके इक्वल भाई 7/4 के। तो हमने ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसके बाद इनका मान रखा और यहाँ 1 और 1/2 को मैंने जोड़ लिया तो कितना आ गया 3/2 माइनस का 1/√2, इसी प्रकार यहां भी 3/2 प्लस 1/√2, और सर्वसमिका का प्रयोग किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होती है भाई a स्केयर माइनस बी स्केयर। तो यहाँ a की वैल्यू आपकी 3/2 है और b की वैल्यू यहाँ कितनी है माइनस का 1/√2, तो a स्केयर माइनस बी स्केयर, 3/2 की स्केयर आपकी कितनी आ गई भाई 9/4, और 1/√2 की स्केयर कितनी आ गई भाई 1/2। तो 9/4 को 1/2 में से बताया तो यहां आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/4, और यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया गया है, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री आगे दिया गया है प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री, 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर आपको प्रूव करना है 2 सेक स्क्वायर 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 60 डिग्री,
टैन स्क्वायर 60 डिग्री। आपका जो क्वेश्चन नंबर है ये 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपको दिया गया है बेटा कि कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री बराबर है आपके 2 इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 60 डिग्री। मतलब कि इस लेफ्ट हैंड साइड को इस राइट हैंड साइड के प्रूफ इक्वल प्रूव करना है। अब आप जल्दी से देखिएगा कि यहां मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया और लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है कोस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 2 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और इधर मैं क्या लेता हूं भी दोनों को अलग अलग प्रूव करेंगे इनका मान क्या आता है। राइट हैंड साइड आपकी क्या है 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। अब बेटा आप देखिएगा यहां इनकी मैं वैल्यू रखता हूं तो अगर मैं कोस स्क्वायर 0 डिग्री की बात करूं तो कोस स्क्वायर 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1, तो यहां 1 की स्क्वायर आ गई माइनस 2 इंटू कोस 30 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3, इसकी स्क्वायर आ गई प्लस 3 इंटू कोसेक 90 का मान होता है 1। यहां मैंने इनकी वैल्यू रख दी और यहां जैसे कि कोस 0 डिग्री का मान होता है 1 और कोट स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है कोट 30 का मान अंडर रूट 3 है स्क्वायर है तो यहां भी मैंने स्क्वायर कर दिया, साइन बीच में प्लस का है 3 इंटू कोसेक 90 का मान होता है 1। अब मैं इनको हल करता हूं 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 3, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 3 को 2 से गुणा किया कितना आ गया 6 प्लस 3 एकम 3, तो बेटा यहां प्लस का तो कितना है 4 और माइनस का कितना है 6। मतलब कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आती है माइनस का 2। अब आप देखिएगा मैं राइट हैंड साइड की वैल्यू रखता हूं, यहां देखिए बेटा 2 इंटू सेक 45 डिग्री, जल्दी से बताइएगा कि सेक 45 डिग्री के मान की बात की जाए तो कितना होगा, सेक 45 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 2 और इसकी क्या है भाई स्क्वायर है। इसके बाद आप देखिएगा टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है अंडर रूट 3 और इसकी भी क्या है भाई स्क्वायर है। अब देखिए 2 इंटू रूट 2 की स्क्वायर कितना होता है 2 माइनस रूट 3 की स्क्वायर कितना होता है 3, क्योंकि रूट को रूट से गुणा करें रूट के अंदर एक ही संख्या है तो रूट क्या हो गया कैंसल। अब आप देखिए यहां 2 इंटू यहां 2 तो प्लस का है भाई और 3 माइनस का है कितना बच गया माइनस का 1 और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस 2 एकम 2 तो कितना आ गया माइनस का 2। मीन्स आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी माइनस का 2 आ रही है और राइट हैंड साइड भी कितना आ रही है माइनस का 2। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, यही अपने को क्या करना था भाई प्रूफ। शायद तक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या किया कि लेफ्ट हैंड साइड लिया और एक तरफ क्या लिया भाई राइट हैंड साइड लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू रखी और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू रखी। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो आपका माइनस 2 आता है और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो कितना आता है माइनस 2 आता है। मींस आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड। और अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 के आपके चार पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा और इसमें आपको दिया गया है यदि x बराबर 30 डिग्री है, यहां x की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है, x की वैल्यू कितनी डिग्री है 30 डिग्री है, तो अपने को प्रूव करना है। पहला है साइन 3x, साइन 3x बराबर आपका है 3 साइन x, 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये आपको इक्वल प्रूव करना है कि आपको वैल्यू एक्स की वैल्यू कितनी डिग्री दी गई है भाई 30 डिग्री दी गई है और आपको लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया गया है साइन 3x और राइट हैंड साइड कितना दिया गया है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब देखिए यहां x की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है, तो यहां x की वैल्यू 30 डिग्री इसमें मान रखूं मैं,
तो लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, साइन 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह मैंने क्या रखा 30 डिग्री रखा, और 3 इंटू साइन 30 डिग्री, जहां भी एक्स है वहां मैंने क्या रख दिया 30 डिग्री, माइनस का 4 इंटू साइन क्यूब 30 डिग्री। शायद तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपकी। एक तो साइन 90 डिग्री, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है साइन 90 डिग्री, और यहां आ गया 3 साइन 30 डिग्री माइनस का 4 साइन क्यूब 30 डिग्री। ये बेटा आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये कौन सी है राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, और LHS आपका है साइन 90 डिग्री, और आप जानते हो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। मीन इसको सॉल्व किया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया 1। अब मैं यहां लेता हूं राइट हैंड साइड, आपकी ये राइट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड में देखिएगा 3 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, माइनस का 4 इंटू साइन 30 की होती है 1/2, बट पावर 3 दी गई है तो यहां भी पावर कितनी रख ली 3 रख ली। अब आप देखिएगा 3 एकम 3, आपकी आगे बेटा 3/2 माइनस 4 इंटू यहां 1 की पावर 3, और यहां कितना आ गया 8। मीन्स आपकी वैल्यू यहां आ गई 3/2 माइनस, यहां समझिएगा ध्यान से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 1/2। अब बेटा यहां मैंने एलसीएम लिया, आपका कितना आ गया 2, 2 को 2 से भाग दिया 1 आता है, 1 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 3, तो यहां आ गया आपका 3 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3 में से 2 गया 2, 2 को 2 से भाग दिया कितना आ गया 1। मीन्स आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के। यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन में क्या किया मैंने, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, फिर क्या है राइट हैंड साइड है, जहां भी आपका एक्स है वहां मैंने वैल्यू कितने रख ली भाई 30 डिग्री रख ली, और सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड रखा और फिर क्या रखा राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू निकाली और दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, और कितनी आती है भाई 1 आती है। इसके 4 पार्ट है, इसमें से एक और क्वेश्चन करवाता हूं, जैसे कि आपका इसी का है तीसरा, रूट का है भाई इस, ये भी बिल्कुल आसान है। एक्स की वैल्यू तो कितनी दी गई है 30 डिग्री दी गई है, और क्वेश्चन क्या है साइन एक्स बराबर है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 एक्स, और बटे में आपका दिया गया है 2, और यहां x की वैल्यू अपने को कितने डिग्री दी गई है 30 डिग्री। अब बेटा देखिए जहां भी x है वहां क्या रखेंगे 30 डिग्री, तो यहां आपका आ गया साइन 30 डिग्री बराबर किसके है, देखिए अंडर रूट का अंडर रूट रखा मैंने 1 माइनस कोस, यहां 2 है तो 2 इंटू में x की जगह क्या रखा 30 डिग्री, और बटे में यहां कितना है भाई 2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने यहां जहां भी x है वहां क्या रखा है 30 डिग्री। इसके बाद बेटा आप देखिएगा यहां लेफ्ट हैंड साइड आपकी है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, मैंने सीधा ही 1/2 रख लिया, और यहां इसको मैं सोल्व करता हूं, ध्यान से समझिएगा, इसको मैंने सोल्व किया 1 माइनस कॉस 60 डिग्री बटे में कितना है 2 और अंडर रूट। अब देखिए कोस 60 डिग्री का मान मैं यहां रखता हूं, अब आप ध्यान से समझिएगा कि अंडर रूट अपना चल ही रहा है 1 माइनस 1/2, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, और बटे में कितना है 2। अब देखिए 1/2 तो ठीक है, या इनको मैं अलग से भी लिख सकता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां 1 में से 1/2 गया, 1 में से आधा गया, आधा बच गया, 1 माइनस 1/2 का मतलब क्या हो गया 1/2। बोलिएगा यहां तक कोई डाउट है क्या। अब मुझे यह बताएं, मैं दोबारा से एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए एक्स इज इक्वल टू है 30 डिग्री, और यहां आपका साइन एक्स है बराबर 1 माइनस कोस 2 एक्स बटे में कितना है 2। अब बेटा देखिए यहां साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
एक बटा दो और बराबर है एक माइनस दो इंटू 30 डिग्री, मतलब कि क्या आ गया कोस 60 डिग्री और बटे में कितना है दो। तो यहां सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है एक बटा दो। उसके बाद आपने किसको सॉल्व किया, एक माइनस दो, दो इंटू 30 डिग्री बटे में कितना है दो। तो यहां इनकी वैल्यू रखना और वैल्यू रखने के बाद इनको आप सोल्व कर सकते हो मेरे ख्याल से, तो कोई डाउट नहीं है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए। बेटा ध्यान से रूट वाला अब फिर भी मैं करवा ही देता हूं, चलो एक माइनस एक बटा दो और बटे में कितना है दो और इसका क्या है अंडर रूट। तो यहां बेटा देखिएगा एक बटे दो और यहां कितना आ गया दो दूनी चार, एक बटे में चार का अंडर रूट आ गया, मीन्स आपका एक बटा दो और रूट रूट इसको रूट को सोल्व किया तो एक का तो एक ही होता है और चार का कितना आ गया दो। तो एक बटा दो किसके इक्वल है भाई, एक बटा दो के, अर्थात आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, और एक्स की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां, इसी एक्सरसाइज का भाई, इसके चार पार्ट हैं भाई, चार में से मैं दो हल करवा चुका हूं और दो आप कीजिएगा, फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कल आते ही करवा दूंगा। अब देखिएगा आपका 22वां क्वेश्चन है, यदि a बराबर है 60 डिग्री, ध्यान से समझिएगा a बराबर दिया गया है 60 डिग्री और b बराबर दिया गया है आपको 30 डिग्री, तो आपको प्रूव करना है, ध्यान से समझिएगा आपको प्रूव करना है कोट a माइनस बी, कोट a माइनस बी इज इक्वल टू, बराबर प्रूव करना है आपको कोट a कोट b, कोट a कोट a कोट b, कोट a कोट b प्लस एक बटे में कोट b माइनस कोट a, माइनस कोट a कोट b माइनस कोट a। आपको ये प्रूव करना है बेटा कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड, यहां a की वैल्यू कितनी दी गई है 60 डिग्री और b की वैल्यू कितनी दी गई है 30 डिग्री, और यहां आपका लेफ्ट हैंड साइड है कोट a माइनस b और राइट हैंड साइड है कोट a कोट b प्लस वन कोट b माइनस कोट a। ये सिद्ध करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर है। तो यहां मैं सबसे पहले a की जगह लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है सीधा ही ले लेता हूं मैं, यहां लेफ्ट हैंड साइड है कोट a माइनस b। बेटा यहां लेफ्ट a, a की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है, तो आपका कितना आ गया कोट 60 डिग्री माइनस b की वैल्यू कितनी है भाई 30 डिग्री है, तो यहां 30 डिग्री की वैल्यू रखी तो आपका आ गया बेटा यहां कोट 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई अंडर रूट 3, कितनी होती है अंडर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड तो आपका अंडर रूट 3 आ गया, अब राइट हैंड साइड देखिए कोट a, कोट a की जगह मैंने क्या रखा कोट a, राइट हैंड साइड है कोट a की जगह मैंने क्या रखा r, कोट a, a की जगह आपका 60 डिग्री है इंटू में कोट b, b की जगह कितना है भाई 30 डिग्री प्लस का वन, और बटे में कोट b कितना आ गया बेटा कोट 30 डिग्री माइनस का कोट a कोट 60 डिग्री। यहां मैंने a की जगह 60 डिग्री रखा, b की जगह 30 डिग्री रखा। अब देखिएगा यहां कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है एक बटा अंडर रूट 3 इंटू में कोट 30 डिग्री की जगह क्या हुई बोलिएगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3 और प्लस का एक, और बटे में आ गया आपका इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 3 माइनस का एक बटे में अंडर रूट 3। शायद तक आपको समझ में आ गया, और मैंने वैल्यू ही तो रखी है ना। अब आप देखिएगा यहां रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, अब यहां एक बच गया, एक को एक से गुणा किया आपका एक आ गया एक प्लस एक, और यहां आ गया रूट 3 माइनस का एक बटे में अंडर रूट 3। अब देखिए एक और एक कितना हो गया भाई दो, दो बटे में यहां अंडर रूट 3 क्या ले लिया मैंने एलसीएम ले लिया,
रूट तीन एलसीएम ले लिया, एक को रूट तीन से भाग दिया रूट तीन, रूट तीन को रूट तीन से गुणा किया तीन, और माइनस का कितना आ गया एक। तो बेटा यहां कितना आ गया दो बटे में, दो बटे में अंडर रूट तीन, तो दो से रूट से ये दो से दो कट गया, कितना आ गया अंडर रूट तीन। ये आपकी क्या है राइट हैंड साइड। अब देखिए एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं मैं, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ए की वैल्यू 60 डिग्री दी गई है, बी की वैल्यू 30 डिग्री दी गई है। सबसे पहले मैंने ए की जगह 60 रखा, बी की जगह कितना रखा 30, और इनका मान रखा तो 60 में से 30 गया 30, तो कोण 30 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन। अब राइट हैंड साइड में ए की जगह 60 और बी की जगह क्या रखा 30, तो यहाँ को 60 का मान रखा, यहाँ 30 का मान रखा, प्लस का एक, 30 का मान रखा 60 का मान रखा, रूट तीन से रूट तीन कैंसिल हो गया, तो यहाँ एक और एक कितना हो गया भाई दो, और यहाँ रूट तीन बटा क्या मान लिया एक, और माइनस का एक बटे अंडर रूट तीन। बेटा इनका एलसीएम आ गया रूट तीन, रूट तीन एलसीएम लिया तो एक को रूट तीन से भाग दिया रूट तीन को रूट तीन से गुणा किया तीन, साइन है बीच में माइनस का, रूट तीन को रूट तीन से भाग दिया एक, एक एक काम एक, तीन में से एक गया दो। अब आप जानते हो जैसे कि दो बटा एक और बटे में कितना है दो बटा अंडर रूट तीन, ये है ना, इसको ऊपर ले गया तो मैं कितना आ गया रूट तीन बटे दो आया, साइड के बराबर है। थैंक यू, और कल करेंगे, और अच्छे से करना भाई, किसी को कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।